सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाटिल एक बार फिर आपके सम्मुख सत्य न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ। और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस करता हूँ। आज मैं आपके सामने मध्यस्थ दर्शन के एक और नए लेक्चर को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस लेक्चर में मध्यस्थ दर्शन यानी मानव मूल्य का लेक्चर नंबर 38 है, जिसमें मध्यस्थ दर्शन के आधार पर हम वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करेंगे। और जिस आज में के निराकरण के संदर्भ में जो टॉपिक है वो जाति प्रथा समस्या और निराकरण के उपाय। इस लेक्चर नंबर 38 को शुरू करने से पहले मैं लेक्चर नंबर 37 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें हमने नर नारी आर्थिक आधार पर जो अमीरी और गरीबी है समाज में इस पर चर्चा की थी। आज जाति प्रथा पे चर्चा करने चले हैं। जाति की प्रथा जो है कास्ट सिस्टम, यह हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। यह ऊंच नीच का भाव लोगों के बीच देती रहती है। इस जातिगत प्रथा समाज का बहुत नुकसान किया है और मानव कुल में बहुत ही विषमता और किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति को उत्पन्न कर दिया है। जाति प्रथा का समाधान क्या है और जातिगत आर्थिक विषमता का समाधान क्या है? दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं जातियों में, एक जातियों के आधार पर विषमता है और एक आर्थिक आधार पर विषमता है मानव समाज में। मानव समाज की वर्तमान स्थिति यह है जाति प्रथा में कि विभक्त मानव समाज है और ये जो विभक्ति का बटने का मानव समाज है जो बटा हुआ है वो भेदभाव है, छुआछूत है, छोटा बड़ा है, ऊंच नीच है, ज्येष्ठ मेष्ठ है, इस आधार पर। दूसरा जो स्केल है बटने का लिंग के आधार पर, महिला पुरुष, भाषा के आधार पर, हिंदी भाषी, भोजपुरी भाषी, राजस्थानी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठा, गुजराती इत्यादि, रूप में गोरा काला अच्छा बुरा, धन में अमीर गरीब, पद में बड़ा पद छोटा पद, मत संप्रदाय जात आदि अनेक पैरामीटर से जिन पर जो है मानव समाज बटा हुआ है। और बटा मानव समाज एक्सप्लोर करके देखें क्या सुख का इन्वायरमेंट हो सकता है। जातिगत आधार है, जन्म और कर्म, किस खानदान में किस जाति में पैदा हुए और कैसे कर्म है। कुछ कर्म है जैसे शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी को श्रेष्ठ मानना, उत्पादन और सेवा को नष्ट मानना, उपरोक्त के आधार पर जात और पुरुष के जन्म से जुड़ाव और उसी आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए। कुछ लोग व्यवस्था में भागी, कुछ कर्मों जैसे शिक्षा और व्यवस्था में भागीदारी को श्रेष्ठ,
अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को नीचा मानना घातक नहीं है। उत्पादन और सेवा को व्यस्त मानना तो उस बोध के आधार पे जाप और फिर उसका जन्म से जुड़ाव और उसी आधार पर भेदभाव और कुछ छोटे जातियों के मजबूत होने के कारण उन पर अत्याचार, यह जो प्रथा है आज के समाज में वह सुरसा की तरह मुंबई बनी हुई है। मानव जात नीचे लिए गए तीन तरह के दृष्टिकोणों से एक ही प्रमाणिकता है। पहला है जीने का आयाम क्या है, संपूर्णता में जीना, अनुभव विचार व्यवहार होता, अनुभव किसका, रियलाइजेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस, सही भाव सही विचार के साथ कार्य और व्यवहार करते हुए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। तृप्ति पूर्वक जीना, संपूर्णता में जीना, अन्यथा और तृप्ति में नहीं। इसमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा, न कोई सुपीरियर है न कोई इंफीरियर, और डिफरेंस इन बिहेवियर वर्ड इन टर्म ऑफ देयर लोगों के काम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सारे काम एक दूसरे की पूरकता के बांध में देखी। तो इस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है। जाति प्रथा का जो दोष है, जो सुख की प्राप्ति में बाधक है, अवरोध है, हम उस दिशा से हट सकते हैं। लेकिन जो रास्ते दिखाए गए हैं, संपूर्णता में जीना, तृप्ति पूर्वक जीना, संपूर्णता में जीना ही तृप्ति पूर्वक जीना है, और एक ऐसे स्वास्तित्व के अनुभूति से, सही भाव और सही विचार से मानव मानव परंपरा में जीते हुए व्यवहार और श्रेष्ठ प्रकट के साथ उत्तमता से किया गया था। और ऐसे में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। क्यों क्रिएशन है संतान उत्पत्ति, सबके शरीर की बनावट लगभग एक जैसी है, और इस मदर प्लैनेट अर्थ पे किसी भी पार्ट पे चले जाए, इस पृथ्वी के हर जगह संतान उत्पत्ति का एक ही रास्ता है प्रजनन, एक ही तरीका है, न उसमें कास्ट है न ऊंच है न नीच है, कोई आभाव नहीं, उसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। और संतान उत्पत्ति के लिए शरीर एक साधन है, बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग, शरीर समझने और प्रमाणित होने के लिए एक साधन है। मैं इस घर में रहता हूं, शरीर मेरा भी है, और मुझे सत्य को समझने में ज्ञान प्राप्ति के लिए और स्वस्तित्व के प्रमाणीकरण के लिए यह एक साधन है। इससे ज्यादा इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। किसी शरीर नर और मादा शरीर से संतानोत्पत्ति हो सकती है किसी जाति किसी धर्म से। पृथ्वी के प्रत्येक मानव का स्वस्थ शरीर हमारे लिए सक्षम है, जरूरी है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखी रहे, निरोग रहे, सही भाव सही विचार रहे और संबंधों में जी स्वस्तित्व का ध्यान। इसमें कहीं भी जाति प्रथा नजर नहीं आती है, लेकिन हमारा विचार क्या, अलग अलग पैरामीटरों पर करते रहते हैं। देखें, ऊंची जाति माने जाने वाले लोगों द्वारा नीची जाति माने जाने वाले लोगों के
अत्याचार उनका शोषण हुआ। पृथ्वी के हर विभाग में, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे हो, ताकत में मजबूत रहे हो, या आर्थिक रूप से कमजोर हो, पिछड़ा देश रहा हो, हर जगह इस तरह की समस्याएं जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, कई पैरामीटर्स। इसको ठीक करने के लिए तरह तरह की जगह जगह की सरकारों ने आरक्षण पर विचार किया, आर्थिक विषमता जिससे दूर हो सके, जाति इस विषमता से सामाजिकता समाज में रहने को लोगों को उनका स्तर बढ़ेगा, जिससे सोचने का स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा। लेकिन इन सारे प्रयासों से मतलब सफलता नहीं मिली, मिली तो लेकिन ये आंशिक सफलता नहीं। कुछ नीची जाति मानने वाले लोगों का प्रयास शासन और ताकत प्राप्त करना हो गया, जिससे ऊंचे जात माने जाने वाले लोगों का अत्याचार और शोषण से बदला लिया, समय बदला, आरक्षण हुआ, सरकारी नौकरी, नीचे जात के लोगों को भी सरकारों ने चलाने का कि भूमिका तय हुई, उन्होंने चलाया, लेकिन उन्होंने शोषण का बदला लिया, एक साइकिल चलाया, किंतु चला विरोध का भाव, विश्वास का भाव नहीं बदला। इन सबके बदलने से कुछ जातिगत नेताओं द्वारा जातियों पर टिप्पणियां करते ही रहना लगा है, क्योंकि अगर ये समाप्त हो जाएगी तो उनकी राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रभाव में भी शोषण, दमन, हिंसा, अत्याचार ये सब चलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। निस्संदेह कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों के सोचने के स्तर पर भी हुआ, लेकिन अब यह परिणाम आंशिक ही रहा। चूंकि हम देख चुके हैं कि मानव जाति एक ही है, और यह भी देख चुके हैं मेरी गरीबी में संतुलन होना मानव जीवन के लिए जरूरी भी है, अखंड मानवीय व्यवस्था में जीने के लिए, सार्वभौमिक व्यवस्था में जीने के लिए सभी अमीर गरीब, सभी वर्ग, जातिगत विषमताएं, मानवीय लक्ष्य, समाधान समृद्धि अभय और संस्कृत में विलय हो जाती है। अगर हम अखंड भारतीय समाज में जाते हैं तो अमीर भी है, गरीब भी है, पुरुष भी है, महिला भी है, नीची जात भी है, छोटी जात भी है, उसमें कहीं भी जिन पैरामीटरों का नाम मैं शुरू में लिया था उसमें कहीं भी इसका कहीं भी चर्चा में नहीं आया था। यहाँ नीचा ऊंचा सब एक बराबर, सभी के अंदर समझदारी है, तो शिक्षा और उत्पादन के लिए साधन की उपलब्धता ही मध्यस्थ दर्शन के अनुसार एक स्थायी समाधान है। इसके लिए अमीरी गरीबी में संतुलन के साथ साथ जातिगत आर्थिक विषमताओं का निराकरण भी किया जा सकता है, निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। जब ये पता चल जाएगा किस लिए आया हूं, क्या करना है, कितने साधन चाहिए और कितने से जीवन संभव हो पाएगा जिससे आर्थिक विषमता दूर हो जाएगी, जाति प्रथा को हटाने के लिए यह बहुत जरूरी होगा। आज के लेक्चर में हमने जाति प्रथा का कारण और उससे निकलने वाली आर्थिक विषमताओं को देखा और उसके निराकरण के लिए मध्यस्थ दर्शन किस प्रकार से होती है इस पर चर्चा की है। परंपरा के क्रम में गृह कार्य भी देख लें, मानव जाति को एक समझकर अपने आप के व्यवहार में क्या परिवर्तन करते हैं, सभी मानव के साथ समानता का व्यवहार करने का परामस्वरूप कैसे बातें हैं कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पुरुष महिला, सबके साथ अगर एक ही व्यवहार किया जाए तो क्या इस व्यवहार को हम किस रूप में देख पाते हैं। दूसरा अनुभव है जातिगत आर्थिक विषमता के अस्थायी हल के लिए
आपकी दृष्टि में वर्तमान में शासन व्यवस्था में क्या क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है कि हमारा शासन व्यवस्था इस प्रथा को अगर खत्म करे तो उसको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, इनको अपने अंदर सेल्फ एक्सप्लोर करो, जानें देखें और समझें, और इस देखने समझने से सोचे क्या इसमें सुधार करना जरूरी है, अगर जरूरी हो तो इसमें मेरी भूमिका क्या है। मिलते रहेंगे समस्याएं और उसके निराकरण को लेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से नमस्कार।